हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे बाजा, ए बाजा सुन, वो द्वारकानाथ के साथी है ना, वो योगी राज के गुरु की समाधि तोड़ने जा रहे हैं। चल हम उसे रोकते हैं, चल चल जल्दी चल। अरे देवा, चलो खोद डालो। रुक जाओ, किसके कहने से खोद रहे हो ये जगह? हाँ, हमें भगवान द्वारिकानाथ जी का आदेश है। और भगवान के आदेश को टाला कैसे जा सकता है? उठाओ कुदाल, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। ए, खबरदार। खबरदार, जो एक भी कुदाल चलाई तो हम ये समाधि तोड़ने ही नहीं देंगे। समाधि तोड़नी है तो द्वारिकानाथ को बोलो जल्दी से समाधि ले ले, ताकि तुम उसकी समाधि तोड़ सको। भाईजा भाई, ए चिल्ला मत। कोठे पाटिल, अपनी पत्नी को रोको। जो मन में आए बोले चली जा रही है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे परिणाम का सोचो, तुम्हारा भगवान द्वारिकानाथ। चलो हटो यहाँ से और जाओ वापस अपने गांव। अरे ना ना भाईजा भाई, द्वारिकानाथ जी तो पहुँचे हुए सत्पुरुष हैं। उन्होंने कुछ सोच कर ही ने समाधि तोड़ने के लिए भेजा होगा। हो सकता है इसमें सभी की भलाई हो। हाँ, समाधि तोड़ने से भला किसकी भलाई हो सकती है? राम राम राम, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अंतर्यामी द्वारिकानाथ जी ने देख लिया हो कि वो गुम हुआ योगी यहीं जमीन के नीचे छुपकर बैठ गया हो। अगर वो जमीन के अंदर समाधि लगाए हुए बैठा है तो हमें उसे खोदकर बाहर निकालना चाहिए। हाँ हाँ, वैद्य जी ठीक कह रहे हैं, जल्दी खोदो जमीन को। ठहरो, अरे इतना तो सोचो, अंदर ना हवा है ना पानी, कैसे जिएगा वो? भाई जा भाई, अब जिद ना करो, खोदने दो इन्हें। खोदो खोदो खोदो। लेकिन भूल गए योगी ने क्या कहा था, इस पवित्र स्थान को जैसा है वैसे ही रहने दो। ना ना भाई जा भाई, हम समझते हैं स्थान की रक्षा से योगी बाबा की रक्षा आवश्यक है, क्यों भाइयों? हाँ, योगी राज को बचाओ, बाहर निकालो। हाँ बचाओ, बाहर निकालो। योगी बाबा को बचाओ, चलाओ कुदाल, रुक क्यों गए? हाँ हाँ चलाओ चलाओ। अब क्या कर रहे हो? बढ़ो, आगे बढ़ो, चलाओ,
चलाओ कुदाली। भागो, भागो, चलो चलो। अरे देखो भाईजा कैसे भाग रहे हैं, देखो देखो। अरे मूर्खो रुक जाओ। बैजी वो तो भाग गए। हम भी भागे। हट। क्यों बैजी आप चलाएंगे कुदाली? हाँ हाँ चलाओ चलाओ। राम राम राम। हम चलाए। चलो मूर्ख कहीं के। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक।